हेलो फ्रेंड, डॉली रॉय रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी दही बड़े। फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बिना छिलके वाला उड़द का दाल। इसको मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगो कर रख दिया था और आप देख सकते हैं ये फूल कर दुगनी हो गई है। अब मैं लूँगी एक बाउल, उसमें छलनी रख दूँगी और सभी दाल को उसमें पलट दूँगी और अच्छे से छान लूँगी। दाल छान लेने के बाद एक मिक्सी का जार लूँगी, उसमें सभी दाल को डाल लूँगी। ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और उसके बाद एक अच्छा सा बैटर तैयार करूँगी। देखिए बैटर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं, मैं इसे एक चम्मच से निकाल के दिखाऊँगी। देखिए इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा भी पानी नहीं डाले, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसमें सभी बैटर को डाल दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इसे हाथ से फेंट लें और इसे तब तक फेंटते रहें जब तक कि पानी में ये बैटर तैरने ना लगे। अब मैं चेक कर लूँगी और आप देख सकते हैं पानी में बैटर तैरने लगा है, इसका मतलब आपका जो बैटर है परफेक्ट तैयार हुआ है। अब मैं इसका पकोड़े बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम करने के लिए, गरम हो चुका है। अब मैं सभी पकोड़े को डाल दूँगी तेल में और गोल्डन ब्राउन तक तल लूँगी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर सिर्फ चेंज करना है। और आप देख सकते हैं पकौड़ा तलकर बिल्कुल तैयार हो गया है, कितनी सॉफ्ट बनी है। अब मैं गुनगुना पानी लूँगी, उसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हींग, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और अच्छे से मिक्स कर दूँगी और सभी पकौड़ों को इसमें डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए रख दूँगी। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डबल हो गया है पकौड़े। अब मैं एक प्लेट में पानी निचोड़ कर अच्छे से हथेली की सहायता से निचोड़ूंगी पानी इस तरह से और रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पकोड़े से पानी निचोड़ लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं लूंगी सर्विंग प्लेट और इसमें मैं पकोड़े डाल दूंगी और फिर डाल दूंगी इसमें दही। अब मैं इसमें डाल दूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी। अगर आपको ये हरी चटनी पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर, ये भुना हुआ है, काला नमक और मिर्च पाउडर। लीजिए फ्रेंड, दही बड़े बनकर तैयार है। इस दही बड़े को आप होली पर बना सकते हैं, घर के किसी पार्टी पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय, थैंक यू।